अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने 2023 के एडमिशन शुरू कर दिए फॉर द BS प्रोग्राम एंड BA ऑनर्स प्रोग्राम्स। तो सबके लिए जो है टेस्ट एक ही टेस्ट होगा और इस टेस्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो जो लोग जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए PUE होगा, जिन्होंने प्री मेडिकल FSC है जिनका उनका PUM होगा, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस फिजिक्स के साथ पढ़ी है, मतलब ये कि ICS फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स किया है, उनका PUCSP होगा। इसी तरह PUCSS है उनके लिए जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के साथ FSC की है, और फिर PUGS है जिन्होंने जनरल साइंस के साथ जैसे कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के साथ FSC की है, फिर PUCOM है जिन्होंने अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के साथ FSC की है, और फिर अच्छा जिन्होंने FA की है उनके लिए PUAHS है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने पेपर कैसा लेना है। तो पेपर जो है ये पेपर के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जो आपका कॉमन पार्ट है वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब लोगों के लिए कंपलसरी है। तो दूसरा सेकंड पार्ट है जिसमें 60% पेपर आएगा, ये 40% जो है वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से आएगा और 60% आपके ना सब्जेक्ट में से आएगा। तो लेट्स से आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, तो आपका वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग तो होगा ही होगा, साथ जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको देख लें प्री मेडिकल को देख लें तो उनका कॉमन पोर्शन तो होगा ही होगा, साथ जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा। तो इसमें थोड़ा सा अगर मैं कन्फ्यूजन को थोड़ा उनके लिए जो जिन्होंने FA किया हुआ है उनके लिए क्या होगा कि उनका कॉमन पोर्शन तो होगा वर्बल और क्वांटिटेटिव, लेकिन साथ के साथ उनका इस्लामियात या एथिक्स होगा या जो है साथ पाकिस्तान स्टडीज़ होगा और जनरल नॉलेज होगा। तो उनके लिए थोड़ा सा जो है जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है वो डिफरेंट है। तो अब हम देख लें कि इसकी जो है वर्बल रीजनिंग में क्या होता है। वर्बल रीजनिंग में जो है वो इंग्लिश होती है और आपकी प्राइमरीली FSC बेस्ड FSC से नीचे या FSC लेवल की इंग्लिश होती है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो मैथमेटिक्स है, ये भी आपको FSC लेवल की या जो है उससे नीचे लेवल की होती है। तो अब उसके अंदर ऑब्वियसली ये वो चीज़ें होती हैं सारी जो आपने मैट्रिक तक तकरीबन पढ़ ली होती हैं। तो तबीर ने इस आपके लिए बहुत मज़े मज़े के कोर्सेज बनाए हुए हैं इसके लिए जो PU का टेस्ट है, और वो कोर्सेज जो हैं एक तो मज़े के हैं और आप उसमें जल्दी तैयारी कर लेते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तैयारी कर लेते हैं, और बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से आपको ये तैयार करता है कि अपनी प्रोग्रेस आप 100% तक ले जाएं। जब अपनी प्रोग्रेस 100% तक आप ले जाते हैं तो उसका मतलब है कि आप टेस्ट के लिए रेडी हैं। तो तबीर जो है इसके अंदर डेमो भी दिया हुआ है, वो आप डेमो नीचे लिंक के साथ एक्सेस कर सकते हैं और जो है इसे करें और तो सी इट फॉर योरसेल्फ के कैसा लगता है और कैसी तैयारी होती है। तो वर्बल रीजनिंग क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है इतना मुश्किल नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो है प्रॉपर टेक्निक्स और प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो इसमें अप्लाई करने हैं, आपने अपनी लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर अप्लाई करनी है, और उसके अंदर ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके सिलेबस से बाहर हो, बट उसके अंदर अपना जो है वो आप जितना बेहतर जो है अपना लॉजिक अप्लाई कर सकेंगे, और वी विल टीच यू दैट डेफिनेटली इंशाल्लाह। और जो सब्जेक्ट टेस्ट हैं उसके लिए भी तबीर का जो है बहुत ज़बरदस्त मॉड्यूल है, और उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आप टेस्ट अपने आप को उस पर ट्रेन कर सकते हैं। तो आफ्टर द ट्रेनिंग आप जो है वो जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम बहुत कम है इस टेस्ट के लिए, और कम टाइम में आपको जो है सिलेबस कवर करना होता है, तो उसमें हम फोकस इस पे करते हैं कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, उन वीक एरियाज़ को कवर करते हैं, रादर के जो है वो हम पूरा जो देखें कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, सारा कुछ वो पढ़ना मुश्किल है, तो हम वीक एरियाज़ को देखते हैं। तो वीक एरियाज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उनको वीक एरियाज़ को कवर करते हैं, और फिर जल्दी जल्दी उसको आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो हैं वो हमारा एसेट है इस लिहाज से कि जितने लोग ज़्यादा पास होंगे उतना हमें जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन वो है। तो ट्राई इट आउट एंड सी फॉर योरसेल्फ कि ये कैसे काम करता है, और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।